फिर से स्वागत है। और आज अपने पढ़ने वाले हैं वापस मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी, इसकी पहले एक वीडियो आ चुकी है आपके पास है, और आने के बाद में इसमें क्या था कि 40 मिनट की क्लास मैंने ले ली थी, और इसमें मोस्ट मोस्ट बातें अपने की थी कि जैसे वायुमंडल हो गया, जलवायु हो गया, मौसम हो गया, और तीन इंस्टीट्यूट भी बताए थे, WMO, IMD, IAMD भी बताया था, यानी तीन अपने को मोस्ट इंस्टीट्यूट देखने को मिले थे इसमें। इसके बाद में अपने बात की थी, छोटे छोटे टॉपिक्स और थे इसके अंदर, वो डिस्कस कर लिए थे। तो लॉन्ग वीडियो जाने के कारण क्या था कि अपने उसको बीच में रोक दिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट अपना आ रहा है मेट्रोलॉजी का, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें अपने बात करेंगे, एक नंबर की अपने बात करें तापमान ज्ञात करने वाले यंत्र। टॉपिक का नाम है तापमान जो होता है उसको ज्ञात कैसे करते हैं अपने। एक नंबर नाम सुना होगा कभी आपने, मर्दा तापमापी। सर सुना तो है, ये क्या होता है? जो मर्दा तापमापी होता है इसके अंदर क्या होता है, जो मरकरी है, मरकरी कांच की एक ट्यूब होती है, इसके अंदर भरी होती है, मरकरी है जो कांच की ट्यूब में भरी रहती है, उस कांच की ट्यूब को क्या कहा जाता है, मर्दा तापमापी कहा जाता है। इसके बाद में दो नंबर की अगर बात करूं, इन्फ्रा रेड नाम सुना होगा कभी आपने, इन्फ्रा रेड। ठीक, पौधों की पत्तियों का बिना संपर्क किए हुए ये क्या कर देता है, तापमान ज्ञात करता है। पौधे जो प्लांट्स अपने पौधों की पत्तियों का बिना संपर्क किए तापमान ज्ञात करना, यानी अपने कह सकते हैं जो इंफ्रारेड है पौधों की पत्तियों का बिना संपर्क के तापमान को ज्ञात करता है। इसके बाद में अपने बात करें तीन नंबर की, उच्च ताप मापी। ये क्या होता है सर? यानी एक होता है माइक्रो, एक होता है मिनी, यानी माइक्रो ताप मापी, यानी माइक्रो थर्मोमीटर जो है इसके अंदर ये भी क्या होती है, एक कांच की ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब प्लस इसमें मरकरी ही भरा होता है। बिल्कुल सर, मरकरी भरा होता है। इस तापमापी से भूमि का क्या किया जाता है, इस तापमापी से 2 बजे क्या किया जाता है, 2 PM यानी 2 बजे जो दिन का 2 बजे होते हैं उस टाइम हाई, यानी इसका नाम से पता चल रहा है उच्च तापमापी, यानी ये हाई टेम्परेचर को नोट करता है, न कि लो को। तो जो हाई टेम्परेचर को तापमान जब ज्ञात करता है तो ये 2 PM को ज्ञात करता है। समझ में आ गई कहानी? यानी जो उच्च तापमान पे वो कहाँ काम करता है, भूमि में अपने जब 2 बजे होते हैं दिन के, 2 बजे अपने नोटिस करते हैं टेम्परेचर को, तब ये उच्च तापमान पे अपने को ओरिजिनलिटी तापमान के बारे में बताता है। इसके बाद में अपने चार नंबर की बात करें तो निम्न ताप मापी। सर ये भी निम्न का मतलब छोटा, यानी मिनी। मिनी की बात करें तो ये क्या करता है, ये तापमान 4 AM यानी जो सुबह के 4 बजे होते हैं, बड़े सुबह के जो 4 बजे होते हैं उस टाइम ये क्या करता है, निम्न ताप मापी काम करता है, यानी 4 बजे के समय सुबह, या अपने कह सकते हैं शाम के 4 बजे, अपने नोटिस कर सकते हैं इसको, शाम को भी और सुबह 4 बजे। यानी अपने निम्न तापमापी की बात करें तो जो 4 AM है समय सुबह या शाम को 4 बजे। ठीक है, उच्च तापमापी की बात करें, कांच की ट्यूब होती है, मरकरी भरी होती है, इस तापमापी से 2 PM को क्या कर सकते हैं, अपने तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने बताया था इंफ्रारेड पौधों की पत्तियों का बिना संपर्क के ये मापता है। मर्दा तापमापी का बात करें तो मरकरी की कांच, मरकरी भरा होता है और कांच की क्या होती है, ये ट्यूब होती है।
और इस कांच की ट्यूब में मरकरी भरी होती है, कांच की ट्यूब को क्या कहा जाता है, मर्दा तापमापी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें अगर ज्यादा तापमान हो जाए, ठीक है ज्यादा तापमान है हो जाए तो क्या करना चाहिए अपने को, फसलों के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। ज्यादा तापमान की देखो बात चल रही है, क्या चल रही है तापमान की, तापमान के जो मापन करने के जो यंत्र है वो मैंने बताए हैं। इसके बाद में फसलों को अपने ज्यादा तापमान के कारण बचाना है तो फसलों की सिंचाई कर दो। तो सिंचाई से क्या होता है, जो फील्ड होता है अपना वो उसका टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है। इसके बाद में अपने बात करें इसमें अपने तो अपने मेट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, इसमें तापमान की बात की थी, तापमान में यहाँ पे अपने बात की थी, जैसे ये तो गलत हो गया था, यानी फसलों के अंदर अगर सिंचाई करेंगे तो अपने क्या है टेम्परेचर में गिरावट आएगी। इसके बाद में अपने बात करेंगे पाले की, फिर बात करेंगे रेन, रेन क्या होता है, रेन का सिस्टम क्या होता है। छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, तो ज़्यादातर मेट्रोलॉजी के जो मोटे मोटे टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए मैंने स्टार्टिंग में। अब अपने बात करें पाले के बचाव से, प्रश्न आते हैं इसमें से, पाले से बचाव कैसे करेंगे। एक नंबर अपने सिंचाई करने से, ठीक। दो नंबर अपने धुआं कर सकते हैं, ठीक। तीन नंबर की अगर बात करूं तो 0.1%, 0.1% H2SO4 का छिड़काव, ठीक। अपने क्या कर सकते हैं, जैसे पाले से बचना है अपने फॉरेस्ट से सिंचाई कर सकते हैं, धुआं 0.1% से H2SO4 का छिड़काव करना। इसके बाद में अपने बात करें रेन की, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, रेन, वर्षा। वर्षा क्या होती है सर, वर्षा किसे कहते हैं, यानी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर 2.5 mm वर्षा होना क्या कहलाता है, रेनी डे कहलाता है। क्या बात है सर, अपने जैसे 24 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है, जैसे 24 घंटे हुए, 24 घंटे के अंदर अगर 2.5 mm वार्षिक वर्षा हुई है, सॉरी 2.5 mm अगर वर्षा हुई है तो उस दिन को क्या बोलेंगे, रेनी डे बोलेंगे। इसके बाद में अपने जैसे बात करें जो बूंद होती है अपनी, बूंद का आकार कितना होता है सर, अगर मोस्ट बात करें आकार की बूंद की, तो 0.5 से 6 mm तक बूंद आती है, यानी छोटी से लेके इतनी बड़ी तक एमएम में देखें तो बूंद का आकार 0.5 से लेके 6 mm तक होता है। इसके बाद में अपने बात करें फुहार, अपने कई बार कहते हैं ना यार छोटी छोटी थोड़ी बारिश हो रही है, यानी फुहार के रूप में हो रही है, फुहारे के रूप में हो रही है अपने एक प्रकार से। एक नंबर, दो नंबर, यानी वर्षा की बात कर रहे हैं, बूंद का आकार कितना आता है 0.5 से लेके 6 mm तक, फुहार का अगर अपने देखें 0.5 से कम, 0.5 से कम जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, फुहार कहलाती है। अपने बात कर रहे थे पाला, यानी सिंचाई, धुआं 0.1% H2SO4 का छिड़काव करने से क्या हो जाएगा, पाला फसलों को पाले से अपने बचा सकते हैं। इसके बाद में अपने रेन की बात की थी, रेनी डे किसको कहते हैं, जैसे आज भी बारिश हो रही है उस चीज को क्या कह सकते हैं अपने, जैसे 24 घंटे के अंदर जो बारिश हो रही है उस, या 2.5 mm तक बारिश हो जाती है एक प्रकार से, तो उस डे को क्या कहते हैं, रेनी डे के नाम से, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ढंग से, यहाँ पे रेनी डे के नाम से जाना जाता है। इसमें देखें दो प्रकार, बूंद का आकार एक प्रकार से देखें तो 0.5 से लेके 6 mm तक क्या होता है, बूंद का आकार होता है, फुहार का देखा जाए तो 0.5 से लेके 0.5 से कम मात्रा में जो छोटी बूंद होती है उसको क्या कहा जाता है, फुहार कहा जाता है। अपने बात की थी छोटे छोटे टॉपिक की, इसके बाद में अपने इसको एक बार साफ कर लेते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि विश्व के अंदर कितने एम बारिश होती है मुख्यतः, और फिर भारत में बात करेंगे कि भारत के अंदर कितने एम बारिश होती है, फिर बात करेंगे अपने राजस्थान की। सर्वप्रथम अपने बात करें विश्व में,
विश्व में वार्षिक वर्षा 1000 mm तक होती है, एक नंबर। दो नंबर में भारत की अगर बात करूं, भारत में वार्षिक वर्षा 1190 mm। समझ में आ गई कहानी। इसके बाद में अपने बात करें राजस्थान की, राजस्थान में 575 mm। ठीक है सर, मैंने तीन टॉपिकों पे डिस्कस किया है। एक नंबर बात की है विश्व में वार्षिक वर्षा यानी 1000 mm, विश्व में वार्षिक वर्षा यानी 12 महीने के अंदर इतनी वर्षा होती है। भारत में वार्षिक वर्षा की बात करूं तो 1190 mm तक, और राजस्थान की बात करूं तो 575, 75%, 75% mm तक वार्षिक वर्षा होती है। ये तो होगी वर्षा, यानी अपने वर्षा के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे। वर्षा देखी, 24 घंटे के अंदर जो 2.5 mm तक वर्षा होती है उसको रेनी डे बोलते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें इसकी, दो नंबर स्टेप की, तो जो दो नंबर स्टेप थी इसमें देखा था फुहार और बूंद। बूंद का आकार 0.5 से लेके 6 mm तक, और फुहार का 0.5 से कम जो होती है, छोटी बूंद होती है, उसको फुहार कहते हैं। इसके बाद में अपने अगर बात करें विश्व में वार्षिक वर्षा 1000 mm, भारत में अगर वार्षिक वर्षा की बात करें 1190 mm, ठीक। राजस्थान में अपने देखें 575 mm तक वार्षिक वर्षा होती है। अब नाम सुना होगा आपने मानसून, छोटे छोटे टॉपिक करवा रहा हूं मैं, कंप्लीट हो जाएंगे। मेट्रोलॉजी अपने छोटे छोटे तरीकों से धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप कंप्लीट कर ले। मानसून जो वर्ड है, मान सून जो वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है? ये है अरबी भाषा का शब्द है। सबसे पहले एक नंबर बात, अरबी भाषा का शब्द है यानी अरेबिक शब्द कहलाता है। मानसून जो वर्ड है वो अरबी भाषा का शब्द है, एक नंबर बात। अब मानसून है जो है वो कितने प्रकार का होता है, ये बात करने वाली। जो मानसून है वो दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। यहाँ पे मानसून कितने प्रकार का? दो। एक नंबर की मैं बात करूं, दक्षिणी, पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सर इसमें क्या होता है? जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है इसमें क्या होता है, ये भारत के अंदर 1 जून को प्रवेश करता है, 1 जून को भारत में प्रवेश करता है मुख्यतः। एक नंबर स्टेप समझ में आ गई, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करूं तो 1 जून को ये क्या करता है, भारत के अंदर एंट्री करता है। जो इसके चलने की गति होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, रफ्तार से चलता है। जो ये मान, कई बार कहते हैं ना कि यार मानसून की बारिश आ गई, मानसून की बारिश आ गई, अब जो चल रही मानसून, ठीक है। जो जो मानसून है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसकी बात करूं तो ये 1 जून को भारत के अंदर प्रवेश करता है, ठीक। मुख्यतः चलने की जो स्पीड है इसकी, सॉरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे के अंदर ये 30 किलोमीटर विद बारिश करते हुए निकलता है, ठीक है। दूसरी बात करूं इसकी, तो तमिलनाडु में 20 से 40% वर्षा इसी से होती है। तमिलनाडु में 20 से 40% वर्षा मानसून के कारण होती है, बाकी बाकी जो बचती है वो नॉर्मल बारिश से होती है। यानी वार्षिक वर्षा देखें तो तमिलनाडु के अंदर 20 से 40, यानी 40% तक मानने पड़े तो मानसून से बारिश होती है, बाकी नॉर्मल बारिश से होती है। इसके बाद में अपनी बात करें कि जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक नंबर की मैं बात करूं अरब सागर, चलो अपने इसको मिटो लेते हैं, जो रिपीट करवा देता हूँ, अपने मानसून की बात कर रहे हैं, अरबी भाषा का शब्द है, क्लियर। दो प्रकार होते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक नंबर की बात करूं मैं तो 1 जून को प्रवेश करता है भारत में, चलने की जो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तमिलनाडु में 20 से 40% वर्षा किसके माध्यम से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। अब बात करूं मैं दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ये कितने प्रकार का होता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओगे कवर हो जाएंगे।
अपनी बात कर रहे हैं मेट्रोलॉजी के, ठीक है। अब बात करूं मैं एक नंबर की, अरब सागर मानसून। मैं दो नंबर की बात करूं बंगाल की खाड़ी। अब सबसे पहले अपने देखेंगे कि जो अरब सागर जो मानसून है, इसके अंदर कंडीशन है, सर्वप्रथम जो अरब सागर है वो दिल्ली में प्रवेश करता है, दिल्ली में प्रवेश करता है, ठीक। दूसरी बात करें, इसमें जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसका 80% भाग यही, यानी अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, लाइन को समझना, 80% भाग अरब सागर मानसून से होती है। स्पष्ट क्लियर बात? मैं बात कर रहा हूं अरब सागर की, न कि दक्षिणी पश्चिमी की। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक नंबर की बात करूं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तो अरब सागर, दो नंबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी। अरब सागर जो है वो दिल्ली में प्रवेश करता है सर्वप्रथम, इसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का 80% भाग अरब सागर से क्या होती है? वार्षिक वर्षा होती है। इसके बाद में मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी की, तो यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून में 20% वर्षा कौन करवाता है? बाकी बची हुई बंगाल की खाड़ी करवाती है, यानी बंगाल खाड़ी मानसून ने करवाता है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मानसून दो प्रकार के, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी में अपने देखेंगे तो पहला आता है अरब सागर, अरब सागर दिल्ली में प्रवेश करता है, ये बात होगी 80% भाग। बंगाल की खाड़ी की बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून में 20% जो वर्षा है वो कौन करवाता है? बंगाल की खाड़ी करवाती है। दो नंबर जो स्टेप थी उसकी बात करूं उत्तरी पूर्वी मानसून। पहला था दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा मानसून कौन सा होता है? उत्तरी पूर्वी, यानी उत्तरी, ठीक, उत्तरी और पूर्वी मानसून होता है। अब बात करूं मैं उत्तरी पूर्वी की, इसे चक्रवर्ती है या पुनरवर्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके अन्य नाम बताएं, चक्रवर्ती है बोल दो या पुनरावर्ती बोल दो। तमिलनाडु में अक्टूबर में प्रवेश करता ही, सर्वप्रथम बात करूं तमिलनाडु, अगर अपन इसकी बात करें तमिलनाडु में सर्वप्रथम अक्टूबर में प्रवेश करता है, कब करता है? अक्टूबर के अंदर प्रवेश करता है, कब? अक्टूबर में तमिलनाडु में प्रवेश करता है। कौन सा मानसून बात कर रहा हूं मैं? उत्तरी पूर्वी मानसून की बात कर रहा हूं, यानी 15 अक्टूबर तक क्या कर लेता है, ये एंट्री मार लेता है, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें आधे दिसंबर की, यानी 15 दिसंबर तक क्या हो जाता है, ये वर्षा करता है, यानी बात करें अपने, यानी इसकी उत्तरी पूर्वी मानसून की 15 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक ये क्या करती है? वार्षिक वर्षा करती है। कहाँ पे? भारत के अंदर। सबसे पहले एंट्री कब मारता है ये? तमिलनाडु में मारता है, और 15 अक्टूबर को ये तमिलनाडु में वार्षिक वर्षा अक्टूबर में ही कर देता है, और 15 दिसंबर तक क्या करता है, ये भारत के अंदर रहता है। तो अपने डिस्कस कर रहे हैं मेट्रोलॉजी के सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में मैंने ये बताया सिस्टम है कि रेन बता दी थी, पाले से बचाव को कैसे कर सकते हैं अपने। इसके बाद में अपने बात कर रहे थे मानसून की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए, ठीक है। तो मानसून जो वर्ड है वो अरबी भाषा का शब्द है, बताया था। इसके बाद में दो प्रकार का होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक नंबर, दो नंबर की बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी को एक बार अपने वापस क्लियर करें तो अरब सागर मानसून एक स्टेप, दूसरी स्टेप इसकी क्या है? बंगाल की खाड़ी, यानी ये दो क्षेत्रों से मानसून उठता है। एक नंबर उठता है अरब सागर से, दूसरा उठता है बंगाल की खाड़ी से।
जो अरब सागर से उठता है वो दिल्ली में प्रवेश करता है सर्वप्रथम, समझ में आई कहानी। दिल्ली में प्रवेश करने के बाद में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो अरब सागर है उसका भाग 80% भाग कौन करता है? अरब सागर से, मानसून से, बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी की अपने बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी है वो 20% वर्षा करवाता है। उसके बाद में उत्तरी पूर्वी मानसून की मैं बात करूं तो इसको कहते हैं चक्रवर्तीय या पुनरावर्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु में सर्वप्रथम 15 अक्टूबर को ये प्रवेश करता है और 15 दिसंबर तक ये बारिश करता है। इसके बाद में पढ़े एक आता है नाम कौन सा, इसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं, तो इस ये कितने प्रकार का होता है मौसम का पूर्वानुमान? मौसम का मैं हेडिंग डाल देता हूं आपको एक बार, मौसम का पूर्वानुमान, यानी मौसम का पूर्वानुमान कि जी मौसम है खराब होने वाला है या बारिश आने वाली है या तूफान आने वाले हैं, इसके टर्म्स होते हैं अलग अलग। ये 3 प्रकार का होता है पूर्वानुमान लगाना, यानी ये लॉन्ग डे भी होता है, शॉर्ट डे भी होता है, मीडियम भी होता है, समझ में आ गई। मौसम का पूर्वानुमान किसे कहते हैं, यानी जो तूफान आना है, आंधी आना है, या अलग 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 जो प्रैक्टिस होती है अपने वायुमंडल के अंदर, उनका पहले ही अपने को 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 15 दिन पहले या 10 दिन पहले ये अपने को बता दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है मौसम का पूर्वानुमान लगाना कहलाता है। इसमें एक नंबर की बात करें शॉर्ट रेंज, ठीक शॉर्ट रेंज की मैं अगर बात करूं तो ये क्या होता है 3 डेज पहले बताया जाता है, 3 डेज से कम तक रेंज होती है इसकी, समझ में आ गई, और 70 हावर्स मान सकते हो एक प्रकार से, यानी 3 डेज से कम में जो होनी है अपने एक्टिविटीज जो वायुमंडल के अंदर वो पहले ही बता दी जाती है अपने, जैसे रेडियो में सुनते थे पहले अपने कि जी 10 दिन बाद बारिश आनी, अब जो एंड्रॉयड फोन्स आते हैं अपने उसमें भी पता लगता है कि जी 10 दिन बाद में बारिश आने वाली है, 2 दिन बाद में वर्षा आने वाली है, उस तरीके से जो ये वर्ड है ये अपने फोन के अंदर बताता है एक्यूरेट। तो शॉर्ट रेंज की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है 3 डे पहले या 3 डे के जो बाद में जो प्रैक्टिस होने वाली है वो पहले ही बता दी जाती है। 2 नंबर की अगर बात करूं तो मीडियम रेंज, इसमें क्या होता है सर, जो 3 से 10 डेज के अंदर जो प्रक्रिया होने वाली है उसको मीडियम रेंज का नाम दिया जाता है, समझ में आ गई। यानी अपने कह सकते हैं शॉर्ट रेंज 3 डेज से कम प्रैक्टिस जो होने वाली है उसको, और मीडियम रेंज को किस वजह से जानते हैं अपने 3 या 10 दिन के अंदर जो प्रैक्टिस होने वाली है कुछ भी हो सकता है, यानी 7 दिन बाद या 8 दिन बाद, उसको किस में रखा गया है मीडियम रेंज में रखा गया है। 3 नंबर सर लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज जो होती है वो 10 डेज से अधिक होती है, क्या होती है 10 डेज से अधिक होती है, ये कम और ज्यादा वाला निशाना नहीं, इस तरीके से प्रश्न आता है जहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है ना वहीं पे प्रश्न उठते हैं, और यहाँ पे क्या है कम ज्यादा का निशान का कंफ्यूजिंग है, ये निशान ही पर्सन को या क्वेश्चन जो होता है अपना उसको गलत करवाते हैं। सो भाई नेक्स्ट वीडियो जो थी अपनी फर्स्ट में उसमें बताया था मैंने कि जैसे अपनी बुक खुलती है उसको निशान को क्या कहा जाता है, कम का निशान दिया जाता है, और जैसे बुक अपने खोलते हैं एक निशान अगर याद रह जाए ना तो दूसरा उल्टा होता ही होता है, यानी अपनी बुक खोलते हैं पेज कम होते जाते हैं उस निशान को क्या कहा जाता है, कम कहा जाता है, ये ज्यादा का निशान है, ठीक है। यानी 10 डेज लॉन्ग रेंज की बात की जाए तो 10 डेज यानी 10 दिन बाद में क्या होने वाला है वो रेंज किस टर्म के अंदर आएगी, लॉन्ग डे लॉन्ग रेंज टर्म के अंदर आएगी, मौसम का पूर्वानुमान है बता देते हैं। यानी स्पष्ट वास्तव यही है कि 3 प्रकार का होता है शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग, एक होती है अम्लीय वर्षा, टॉपिक कंप्लीट होने वाला है अपना, यानी अपने मौसम जो विभाग थी वो कंप्लीट की है, बढ़िया तरीके से स्टेप टू स्टेप कवर कर लिए इसको। अम्लीय वर्षा क्या कहलाती है सर, अम्लीय जो वर्षा होती है उसके अंदर क्या होता है SO2+N2 बढ़ने से वर्षा का पानी का pH 3.4 तक हो जाता है, ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। शॉर्ट में समझाता हूँ SO2 प्लस
N2 की मात्रा बढ़ जाए और उसका बढ़ने के कारण पानी का जो पीएच है वो 3.5 सॉरी 3.4 तक पीएच चला जाता है। उस वर्ड को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहते हैं। कई बार कहते हैं खट्टो पानी है, यानी अम्लीय वर्षा, उसमें SO2 और N2 की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो अम्लीय रेन कहते हैं उसको। इसको क्या कहते हैं? अपने कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा हो चुकी। क्या हो चुकी? अम्लीय वर्षा हो चुकी। तो ये डेफिनेशन बन गई अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा SO2+N2, यानी 3.4 तक क्या हो जाता है? इसका पीएच मान गिर जाता है। उस वर्ड को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अब मोस्ट मोस्ट अपने कर लिए।